व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रीतम। आप देख रहे हैं ग्राउंड बीस्ट, एक नया ब्लॉग के साथ। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस मिररलेस कैमरा और रोड के माइक के साथ। आज का ये नया सेटअप, बहुत दिन बाद आप शायद देख रहे होंगे। तो कुछ दिन पहले मैं दूसरे फ्लैट पे था, वहाँ पे इतना वीडियो का सेटअप नहीं था, तो वहाँ पे वीडियो का क्वालिटी और साउंड का क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगा होगा जितना क्वालिटी मैं इससे पहले प्रोवाइड करता था, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना गाइस, आई एम सॉरी फॉर दी। अब समझ जाओ, और डिस्कस करना नहीं है। तो मेन बात मुद्दा है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। दो दिन पहले मैं KTM के सर्विस सेंटर पे गया था चेकअप करवाने के लिए, और वहाँ पे देखा कि चलिए पहले KTM का राइड एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपके साथ बात करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो राइड कर चुका हूँ। आपको ले चलते हैं पास्ट में और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों के साथ वो वीडियो का, उसके बाद वापस आते हैं। वैसे मैं अभी रात के 10 बज चुका है, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उसके बाद एडिट करके रेडी करूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए लेट्स गो। तो आज जा रहा हूँ, बाइक का थोड़ा चेकअप करना है, बहुत दिन पड़ा था यूज़ नहीं किया, तो आज चेक करना है तो बाइक का हालत कैसा है कि। तो सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, उसके बाद कुछ काम भी है थोड़ा बहुत, वो भी करना है। तो बहुत दिन बाद ग्राउंड बीच में राइडिंग का वीडियो आ रहा है, तो पूरा वीडियो देखना और कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करना। वैसे लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये सिचुएशन देख के तो लग नहीं रहा कि लॉकडाउन चल रहा है अभी भी। वैसे बहुत सारा छूट दिया है सरकार की तरफ से, फिर भी इतना जैम और ट्रैफिक होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी टाइम हो रहा है 11:30 के अंदर सर्विस सेंटर पहुंचना है, देखते हैं। आपका भाई जब बाइक धीरे से चलाता है तो सबसे पीछे रहता है, और अगर लूड हो जाता है और ज़रूरत पड़ता है तो सबसे आगे भी रह सकता है स्पीड के हिसाब से। বলছে এই রুটে কি সেক্টর 5 এর বাস যাচ্ছে? এই রুটে সেক্টর 5 এর বাস যাচ্ছে? যাচ্ছে। तो जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता दो, फैक्टर 5 में मैं एक कॉलेज है IEM नाम का, अभी यूनिवर्सिटी भी खोल दिया है EVM में, EVM नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो वहाँ से मैं MBA कर चुका हूँ, तो काफ़ी वक्त जाना पड़ता था जो वहाँ पे, बोलते बोलते मैं EMY पास आ चुका हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में है ITC रॉयल बेंगाल। इतना दिन लॉकडाउन में घर में बैठने के बाद ये चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको मुंह में बता के बयां नहीं कर सकता। अंदर जो फीलिंग्स आ रही है गजब का, और बहुत तगड़ा वाला पॉजिटिव फीलिंग्स आ रहा है चलाने के बाद।
अभी लग चुका है जाम, बस में जितना सीट है उतना ही पैसेंजर कैरी कर किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। वैसे WBTC का बस है। तो लॉकडाउन में KTM का राइड कैसा लगा? उसके साथ GoPro का जो एंगल था वो चेंज कर दिया था मैंने, वाइट से सुपर वाइट मैंने चेंज कर दिया है। तो कैसा लगा, एंजॉय किया आपने? देखा तो उसके पहले मैं बोल देता हूँ कि KTM का बाइक का जो सर्विसिंग हुआ, मतलब चेकअप, उससे पहले लॉकडाउन से पहले मैंने एक सर्विसिंग कर लिया था, तो सर्विसिंग का कुछ नहीं था, वैसे जनरल चेकअप के लिए गया और देखा कि उसका एयर फिल्टर ख़राब हो चुका है, तो एयर फिल्टर लगाना पड़ा। उसका प्राइस था लगभग, आपको क्या बोल सकते हैं कि 421 खर्चा पड़ा मुझे टोटल, और वहाँ पे जब घुस रहे थे तो। और हम प्रवेश कर रहे हैं KTM के सर्विस सेंटर पे, हमारा स्वागत किया जा रहा है, यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। शायद आपने कुछ मिस किया स्पीड, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा थ्रिल एंजॉय करते हैं, थोड़ा स्पीड, चलिए थोड़ा खींच के देखते हैं कैसा लगता है। एकदम मक्खन चल रहा है बाइक। तो उतना ही स्पीड में मैं वहां पे खींच सकता था, उससे ऊपर जाता तो पुलिस अंकल पकड़ लेते या कुछ और एक्सीडेंट भी हो सकता था। अगर सिग्नल ना होता, वो लॉन्ग एक हाईवे होता, तो वैसे माथे पे ये है टूपी, मतलब कैप बोल सकते हैं, टूपी बंगाली में बोलते हैं टूपी। तो बहुत दिन हो गया, सैलून भी बंद था तो नहीं जा पाया, अभी खुला है लेकिन COVID-19 के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कुछ दिन के अंदर ही कुछ सॉल्यूशन निकालने की, तो इसीलिए ये है देसी जुगाड़। कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है लॉकडाउन, घर में रहिए और भीड़ में मत जाइए, ऑलवेज मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छा लगा, एंजॉय किया, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर इस चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता बहुत लोगों को लगता है। तो चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। What's up guys, this is Pritham, आप देख रहे हैं ग्राउंड बीस्ट, एक नया ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। What's up guys, this is Pritham, ग्राउंड बीस्ट में आप आ चुके हैं और देख रहे हैं मुझे, यानी कि प्रीतम को। बहुत दिनों बाद इस सेटअप से आपके साथ, इस सेटअप जो GoPro का एंगल था उसके साथ जो ग्रुपों उसके साथ